दोस्तों, कई बार कई लोगों को बैठे बैठे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, या फिर अचानक से अनकॉन्सियसनेस यानी मूर्छा आ जाती है, आदमी बेहोश हो जाता है, बिना कुछ बोले ऐसे लगता है जैसे कोमा की स्थिति में आ गया है। दोस्तों, ये कंडीशन हाइपोटेंशन की वजह से हो सकती है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो होने पर ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोटेंशन के बारे में कि हाइपोटेंशन होता क्या है, यानी लो बीपी होती क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, एंड हम लोग बात करेंगे कि क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, कारण क्या होता है और इसके इलाज में हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बात करते हैं हाइपोटेंशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर हाइपोटेंशन की बात की जाए यानी लो बीपी की बात की जाए तो ये होती क्या है। तो कई बार कई पेशेंट्स में जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है और वो 90 से 60 mmHg से कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग लो बीपी कहते हैं या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्मली आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर के एक यंत्र द्वारा नापा जाता है। एक स्फिग्मोमैनोमीटर आपने देखा होगा, आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस तरह का होता है। तो ये जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक mmHg होता है। तो इतना है तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा है तो फिर हाइपरटेंशन होता है और इससे कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन होता है। नॉर्मली 90 और 60 से अगर कम होता है बीपी तब ज़्यादा समस्या आती है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर का रोगी कहते हैं, अगर किसी का बीपी लगातार इतना रहता है यानी कम रहता है तो। अगर हम कारण की बात करें दोस्तों, तो सबसे मेन जो रीज़न होता है वो होता है फिजिकल वीकनेस, यानी कि शारीरिक कमजोरी अगर पेशेंट को है तो उसको हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो यहाँ पे कई बार क्या लोग करते हैं ना कि दिन भर पानी नहीं पीते, दिन में सही से खाना नहीं खाते, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके बॉडी के अंदर में बहुत सारे पदार्थ की कमी आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से और टाइम पर खाना ना खाने की वजह से भी बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल वर्क करने पर भी आपका बीपी लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप भूखे रहते हैं, फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं तो भी आपका बीपी लो हो सकता है। इसके अलावा मेंटल प्रेशर, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, उसके वजह से भी बीपी लो होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट को चोट लगती है और बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आ जाता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं बॉडी में और हाइपोटेंशन यानी लो बीपी की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा फीमेल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फीमेल में मेंसुरल ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है तब भी फ्लूइड लॉस होता है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। डायरिया और कॉलेरा में भी ब्लड एक्चुअली फ्लूइड लॉस होता है बॉडी में जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं और फिर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके साथ में दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी कई बार चक्कर आता है और हाइपोटेंशन की समस्या देखने को मिलती है, लो बीपी की समस्या देखने को मिलती है। कुल मिला के ये सारे मेन रीज़न होते हैं। और जब भी दोस्तों हमें किसी भी रोग का इलाज करना है तो उसके कारण को समझिए और उसके कारण से दूर रहिए तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ हाइपोटेंशन के बारे में कि हाइपोटेंशन यानी कि जो बीपी लो होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं बताऊँ आपको, तीन प्रकार होते हैं हाइपोटेंशन के, लो बीपी के, जिनमें पहला है सिम्पेटोमैटिक हाइपोटेंशन। सिम्पेटोमैटिक हाइपोटेंशन एक ऐसा हाइपोटेंशन होता है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। हाइपोटेंशन की समस्या यानी लो बीपी की समस्या आपको कितने दिन से है उस हिसाब से आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं, यानी कि अगर आपको लो बीपी की समस्या कम समय से है तो ज़्यादा भारी लक्षण नहीं होंगे, लंबे समय से है तो आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये लक्षण होते हैं सांस में कमी यानी अपनी सांस नहीं ले पाता है, या फिर स्किन उसकी पेल हो जाती है यानी कि येलो टाइप की दिखती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, कमजोरी आती है और बीपी कम हो जाने पर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, ये क्रॉनिक कंडीशन में होता है। अब अगर बात की जाए एसेंशियल हाइपोटेंशन के बारे में, ये दूसरे टाइप का हाइपोटेंशन है, मैंने बताया तीन प्रकार का होता है। दोस्तों, जो एसेंशियल हाइपोटेंशन है वो नॉर्मली लोगों में हो जाता है, ज़्यादातर 3% लोगों में होता है, इसका कोई विशेष रीज़न नहीं होता, कोई विशेष इसका लक्षण नहीं होता, नॉर्मली कभी कभी हो जाता है, खास करके फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये एक प्रकार का हाइपोटेंशन है जो वर्टिगो की स्थिति के साथ रहता है। वर्टिगो की स्थिति यानी कि आप बैठे रहते हैं, खड़े होते हैं और आपको चक्कर आता है, ये वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
तो अगर कई बार क्या होता है पेशेंट में ना, कई बार होता क्या है कि जब पेशेंट बैठा रहता है और बैठने बैठे वो अचानक से उठता है, तो वो उसको क्या होता है ना, चक्कर आता है और उसका बीपी लो हो जाता है। तो इस प्रकार का जो हाइपोटेंशन होता है उसको हम लोग कहते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बात करें दोस्तों हाइपोटेंशन के सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो आपको नौजिया, नोमेटिंग एंड वर्टिगो की समस्या आ सकती है, उकाई आ सकती है, उल्टी हो सकती है और वर्टिगो की प्रॉब्लम आ सकती है। वर्टिगो की प्रॉब्लम का मतलब आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको हेडक हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, वीकनेस महसूस हो सकती है, एंड जो फेस है वो पेशेंट का बहुत डल लगता है और लेजीनेस फील होता है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण होते हैं। इसके साथ में दोस्तों जो बीपी हम लोग जब डायग्नोज करते हैं तो 90/60 mmHg से कम होती है। इससे अगर कम है लगातार तो पेशेंट को बीपी की समस्या है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, उससे पहले क्या चीज़ आपको सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन की समस्या है तो कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, नहीं तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन जो इन्फ्यूज़न होता है वो IV देना चाहिए पेशेंट को, उससे बीपी बहुत जल्दी कवर हो सकती है। इसके अलावा ORS का घोल लगातार पिलाते रहना है, उससे मिनरल्स की कमी पूरी होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए पेशेंट को, उससे भी ठीक रहता है। इसके अलावा पेशेंट को जो फ्लूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। फ्लूड से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट साथ में जाते हैं बॉडी में और बॉडी अच्छी बनी रहती है। बात करें कौन से मेडिसिन दी जाती है, दोस्तों यहाँ पे जो भी मेडिसिन दी जाती है वो केवल और केवल खाने पानी, मतलब जो अंदर में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए देते हैं, जिसमें हम विटकोफॉल सीरप आता है वो देते हैं। इसमें फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, निकोटिनमाइड, बेंजाइल एंड एल्कोहल फिनॉल होता है, और ये दो दो चम्मच सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो ऑर्टरिन नाम का एक कैप्सूल आता है जिसमें फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, फेरस फ्यूमरेट, आयरन, ये सब होता है, तो इसको दिन में एक कैप्सूल दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये तो देना ही है दोनों में से एक। इसके अलावा पाचन को सही करने के लिए एक सिरप आता है वेस्टोजाइम, जिसमें अल्फा एमाइलेज और पेप्सिन होता है। ये 10 ml 10-10 ml सुबह शाम खाने के बाद दिया जाता है, या फिर अगर पेशेंट को सिरप नहीं देना चाहते हैं तो यूनिजाइम कैप्सूल या टैबलेट आती है जिसमें फंगल डाइस्टेज, पेप्सिन एंड एक्टिव चारकोल होता है, ये सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। तो ये तो हो गई मेडिसिन। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ सिम्टम्स के अनुसार भी मेडिसिन देते हैं दोस्तों, जैसे नॉजिया वोमिटिंग होती है तो पेशेंट को रैनिटिडीन एंड डोमपेरिडोन टैबलेट दी जा सकती है, या फिर आप ओंडेंसेट्रॉन 4 mg की टैबलेट दे सकते हैं उल्टी के लिए। वहीं हेडेक की बात करें, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनाक एंड पैरासीटामॉल की टैबलेट दे सकते हैं, और वर्टिगो होने पर यानी चक्कर आने पर हम जो यूज़ करते हैं प्रो क्लोरपेराजिन या प्रो क्लोरपेराजिन आती है, मेडिसिन आती है इस्टेमेल्टिल के नाम से, आप वो दे सकते हैं। ये माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है और इसको देने से जो वर्टिगो की समस्या होती है वो दूर होती है। अब मान लीजिए इन सभी ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो हम लोग डोपामिन इन्फ्यूज़न का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी आप यहीं तक ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो करें, बाकी का हायर जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके लिए छोड़ दें। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात की हाइपोटेंशन और उसमें यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप लोग चाहें तो हेल्थ मुखिया चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।